नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर, स्वागत है आप सभी का 3.0 TV में। इस हफ्ते के दौरान एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी का अनुभव करने के बाद ChatGPT क्रिएटर सैम ऑल्टमैन और बाइनांस के CEO सीजी को हटाने के बाद लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ने पिछले 24 घंटों में स्थिर रहे हैं। US कॉर्पोरेट हिस्ट्री में सबसे बड़े सेटलमेंट डील को प्रभावित करने के लिए अपना पद छोड़ने पर सहमति व्यक्त की। बिटकॉइन $37,000 के स्तर से ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है और हफ्ते के लिए उच्च दर है। सीजी निर्णय के बाद BTC शुरू में $35,000 के निशान से नीचे गिर गई। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी ठीक हो गई है और वर्तमान में 0.1% गिरकर $37,309 पर है। इथेरियम भी $2,000 के महत्वपूर्ण स्तर को पुनः प्राप्त करने में सफल रहा। वर्तमान में इसे 0.5% अधिक $2,065 पर पेश किया गया था। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनांस के खिलाफ US क्रिमिनल चार्जेस के संभावित बड़े पैमाने पर निपटान के लीक पर इस हफ्ते की शुरुआत में क्रिप्टो मार्केट्स में भारी सेल ऑफ देखा गया। सीजी ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से कई आपराधिक आरोपों में दोषी ठहराया। हालांकि मार्केट ऑब्जर्वर्स के अनुसार सीजी ने US अथॉरिटीज के साथ एक डील करके USSEC के लिए अंततः स्पॉट बिटकॉइन ETF को मंजूरी देने का रास्ता साफ कर दिया है। ऑप्टिमिज्म ने ब्रॉडर मार्केट में तेजी को बढ़ावा दिया। पिछले 24 घंटों में कई डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या DeFi टोकन सक्रिय हो गए हैं। यूनिस्वैप गवर्नेंस टोकन UNI 15% से अधिक ऊपर गया। FTX के FTT टोकन में 10% की वृद्धि भी हुई, जिसकी वजह से पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.11% कम होकर $1.42 trillion हो गया। इसी तरह टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 32.1% कम होकर $39.5 billion हो गया। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $4.4 billion है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $34.8 billion, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमशः 11.2% और 87.9% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 51.5% है, जो दिन के दौरान 0.13% कम है। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 0.05% गिरकर 47,333 पर आ गया है। एनालिस्ट का मानना है कि जैसे जैसे गहराई का समर्थन मिल रहा है, बिटकॉइन नई वार्षिक ऊंचाई पर जाने और $40,000 बाधा के रूप में अगले की रेजिस्टेंस के परीक्षण के लिए तैयार है। सीजी द्वारा बाइनांस छोड़ने की चर्चा के बीच एंटायर क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए जोखिमों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। अगर सीजी को देश छोड़ने की अनुमति दी गई तो US प्रोसिक्यूटर्स ने फ्लाइट के गंभीर जोखिम को रेखांकित किया है। OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट को OpenAI की ChatGPT सर्विस सहित AI मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए नॉन फिक्शन ऑथर्स के काम के अनुचित उपयोग का आरोप लगाते हुए मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। ऑथर और रिपोर्टर जूलियन सैंगटन का दावा है कि OpenAI ने ह्यूमन टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स का जवाब देने के लिए अपने एक्सटेंसिव लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करने के लिए बिना ऑथराइजेशन के हजारों नॉन फिक्शन बुक का उपयोग किया। OpenAI और अन्य तकनीकी फर्मों के खिलाफ जॉन क्रिशन, जॉर्ज आर मार्टिन और जोनाथन फ्रांसन सहित कॉपीराइट ओनर्स द्वारा शुरू किए गए कई मुकदमों में से एक है। ट्रेनिंग डेटा और GPT बेस्ड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए लाखों के कार्यों की बिना लाइसेंस वाली कॉपीज तैयार करने में माइक्रोसॉफ्ट की भागीदारी पर जोर दिया गया है। सैंगटन ने माइक्रोसॉफ्ट पर कॉपीराइटेड मटेरियल के लिए OpenAI के इंडिस्क्रिमिनेट इंटरनेट क्रॉलिंग के बारे में जागरूक होने का आरोप लगाया। ये मुकदमा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा OpenAI से हटाए जाने के बाद सैम ऑल्टमैन को अपनी AI रिसर्च टीम का प्रमुख नियुक्त करने के बाद आया है। OpenAI ने एक अग्रीमेंट की घोषणा की, जिसके तहत ऑल्टमैन 22 नवंबर को CEO के रूप में वापसी करेंगे। विप्रो लिमिटेड ने AI ड्रिवन स्ट्रैटेजीज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के माध्यम से हेल्थ केयर कंपनीज को जेनरेटिव AI को अपनाने में तेजी लाने में मदद करने के लिए NVIDIA के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की। विप्रो मेंबर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने, एनरोलमेंट बढ़ाने और क्लेम्स के एजुकेशन में सपोर्ट के लिए अफोर्डेबल केयर एक्ट, मेडिकेयर और मेडिकेड में हेल्थ केयर सोल्यूशन के अपने करंट पोर्टफोलियो में AI के प्रोडक्शन के लिए NVIDIA AI एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर का लाभ उठाएगा। इससे हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को NVIDIA AI एंटरप्राइज द्वारा संचालित लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का फास्टर और ईजियर कंजम्पशन
हासिल करने में मदद मिलेगी, जिससे कि प्रोडक्टिविटी में वृद्धि, डीपर मेंबर इंटेलिजेंस और बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसीज भी होंगी। ये कोलैबोरेशन जनरेटिव स्पीच और ट्रांसलेशन एआई के लिए एनवीडिया एआई प्लेटफॉर्म का लाभ उठाएगा, जिसमें एनवीडिया एआई एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में किसी भी एप्लीकेशन के लिए जनरेटिव एआई मॉडल बनाने और कस्टमाइज करने के लिए एनवीडिया एआई फाउंडेशन मॉडल जैसे एनवीडिया नेमो और वीवा और एनवीडिया डीजीएक्स प्लेटफॉर्म शामिल हैं। विप्रो के एंटरप्राइज जनरेटिव एआई फ्रेमवर्क के साथ इन टेक्नोलॉजीज का इंटीग्रेशन विप्रो को स्पीच और ट्रांसलेशन एआई के साथ साथ अन्य एलएलएम्स के लिए कस्टम मॉडल्स को डेवलप और डिप्लॉय करने में सक्षम करेगा। विप्रो ने पहले से ही एनवीडिया एआई प्लेटफॉर्म का लाभ उठाते हुए हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कई एआई फर्स्ट एंटरप्राइज ऑफरिंग विकसित की है। Amazon 2025 तक 2 मिलियन लोगों को फ्री AI स्किल्स ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए AI रेडी पहल शुरू कर रहा है। AWS के एक रीसेंट स्टडी में पाया गया है कि 73% एम्प्लॉयर्स AI स्किल टैलेंट को काम पर रखने को प्राथमिकता देते हैं, जिसमें से 4 में से 3 को इन मांगों को पूरा करने के लिए कठिनाई होती है। एम्प्लॉयर्स को AI में अपस्किलिंग के लिए 47% तक संभावित वेतन वृद्धि की उम्मीद है। AWS ने 8 फ्री AI और जेनरेटिव AI कोर्सेज की घोषणा की है, जो किसी के लिए भी उपलब्ध हैं और इन्हें इन डिमांड जॉब से जोड़ा गया है। इसके साथ साथ AWS वैश्विक स्तर पर अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज़ के 50,000 से अधिक हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को $12 मिलियन से अधिक की यूडासिटी स्कॉलरशिप की पेशकश कर रहा है। AWS एक वर्चुअल म्यूजिक वीडियो क्रिएशन एक्सपीरियंस आवर ऑफ कोड डांस पार्टी AI एडिशन पेश करने के लिए Amazon फ्यूचर इंजीनियर और code.org के साथ भी सहयोग कर रहा है। कंप्यूटर साइंस एजुकेशन वीक के दौरान इस पहल का समर्थन करने के लिए AWS code.org को क्लाउड कंप्यूटिंग क्रेडिट में $8 मिलियन तक का योगदान दे रहा है। AI रेडी प्रोग्राम 2025 तक 29 मिलियन लोगों को फ्री क्लाउड कंप्यूटिंग स्किल ट्रेनिंग प्रदान करने की AWS की प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जो पहल की 21 मिलियन से अधिक लोगों को ट्रेन कर चुका है। जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल ने एलिज्ड प्रेफरेंशियल ट्रांसफर्स में $689 मिलियन से अधिक का दावा करते हुए जेमिनाई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई दायर की है। ये विवाद नवंबर FTX के कोलैप्स से उपजा है, जिसके कारण कानूनी लड़ाई और नियामक जांच हुई। जेनेसिस का आरोप है कि जेमिनाई ने सब्सटेंशियल विड्रॉल डिमांड करके मार्केट वॉलिटिलिटी बढ़ा दी, जिससे कि अन्य क्रेडिटर्स को नुकसान हुआ है। मुकदमा जनवरी में जेनेसिस के बैंक्रप्सी फाइलिंग होने के 90 दिनों में ट्रांजैक्शन को लक्षित करता है। जेनेसिस का आरोप है कि जब जेमिनाई ने रीपेमेंट पर जोर दिया तो उसे अपनी अनिश्चित फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता था। कानूनी विवाद क्रिप्टो हेज फंड 3 Arrows कैपिटल के बैंक्रप्सी से जुड़ा है, जिसके कारण जेनेसिस और अन्य क्रिप्टो करेंसी लेंडर्स के लिए कस्टमर ट्रस्ट और लिक्विडिटी इश्यूज की हानि हुई। मुकदमे में सितंबर और अक्टूबर 2022 में जेनेसिस से जेमिनाई में $765.8 मिलियन से अधिक के नेट ट्रांसफर्स का खुलासा हुआ है, जिससे कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के बारे में सवाल उठते हैं कि जेनेसिस क्लेम को लीगल स्क्रूटिनी से गुजरना चाहिए। जेमिनाई अपने कार्यों में किसी भी तरह की अनिश्चितता से इनकार करते हुए, जिससे कि पार्टनर बैंक्रप्सी हो जाए और उथल पुथल भरी अवधि के दौरान हुए नुकसान के लिए मुआवजे की भी मांग करता है। कॉइनबेस, एक प्रमुख US क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, क्राकन के खिलाफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की हालिया कार्रवाइयों के बाद क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में क्लियर रेगुलेटरी गाइडलाइंस स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। एक्सचेंज की कानूनी टीम ने 22 नवंबर को एक SEC लेटर का जवाब दिया, जिसमें कि क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। कॉइनबेस जुलाई 2022 से डिजिटली नेटिव सिक्योरिटीज के लिए व्यापक नियमों की मांग कर रहा है। 15 दिसंबर तक क्रिप्टो नियम निर्धारण पर एक रिपोर्ट देने का SEC का वादा कॉइनबेस के असंतोष के साथ पूरा हुआ है, जो तर्क देता है कि क्राकन की हालिया कार्रवाइयों सहित SEC की कार्रवाइयां फर्म रेगुलेटरी स्टैंडर्ड को स्थापित करने में अनिच्छा प्रदर्शित करती है। बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पर SEC का आसन्न निर्णय क्रिप्टो करेंसी की मेनस्ट्रीम अडॉप्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। कॉइनबेस के CEO ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए लीगल और कंप्लायंस स्टैंडर्ड के पालन के महत्व पर जोर दिया, भले ही इसका मतलब ग्रोथ पेस का त्याग करना हो।
दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनांस ने 28 नवंबर से बिटकॉइन और इथेरियम क्रॉस मार्जिन और आइसोलेटेड मार्जिन पेयर्स को डीलिस्ट करने की योजना की घोषणा की है। ये कदम डिजिटल एसेट इंडस्ट्री में कानूनी चुनौतियों का समाधान करने के बाइनांस के प्रयासों का हिस्सा है। इन पेयर्स पर आइसोलेटेड मार्जिन बोरोइंग को निलंबित कर दिया जाएगा। इसके बाद 7 दिसंबर को ऑटो सेटल्ड यूजर पोजीशन को बंद कर दिया जाएगा और पेंडिंग ऑर्डर्स को रद्द कर दिया जाएगा। ये निर्णय यूएसएससी के आरोपों के बाद आया है, जिसने कि पहले बीयूएसटी को एक सिक्योरिटी के रूप में वर्गीकृत किया था। पैक्सोस और बाइनांस दोनों ने स्टेबल कॉइन के आगे मिंटिंग और सर्कुलेशन को रोक दिया। बाइनांस के फाउंडर चैंगपेंग झाओ ने एक्सचेंज के खिलाफ आपराधिक आरोपों को निपटाने के लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ एक व्यापक समझौते के तहत अपनी भूमिका से इस्तीफा दे दिया है। रिचर्ड टेंग को नए सीईओ के रूप में नामित किया गया है। फेडरल इन्वेस्टिगेटर्स ने सिलिकॉन वैली पे साइबर स्कैम ग्रुप से जुड़ी $9 मिलियन मूल्य की क्रिप्टो करेंसी जब्त कर ली है, जिसने 70 से अधिक विक्टिम का फायदा उठाया था। इंटरसेप्ट किए गए फंड स्टेबल कॉइन टेथर के रूप में थे, जो अमेरिकी डॉलर से जुड़े थे। फंड्स का पता क्रिप्टो करेंसी से जुड़े रोमांस और कॉन्फिडेंस स्कैम में लगी एक एंटिटी से लिंक्ड एड्रेसेस पर लगाया गया था, जिसे पिग बुटरिंग के रूप में जाना जाता है। साइबर फ्रॉड ग्रुप ने ट्रस्टेड कंपनीज का दिखावा करके विक्टिम को क्रिप्टो करेंसी जमा करने के लिए ट्रिक किया, जिससे कि उन्हें पता चला कि ये बिजनेसेस और बिटकॉइन एक्सचेंज काल्पनिक ऑनलाइन मार्केट थे। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल निकोल एम आर्जेंट्री ने इस बात पर जोर दिया कि ये अपराधी निवेशकों के लिए मुनाफा नहीं पैदा कर रहे थे, बल्कि उनके पैसे चुरा रहे थे, जिससे कि पीड़ितों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ। टेथर लिमिटेड इंक ने साइबर फ्रॉड गैंग से क्रिप्टोकरेंसी की जब्ती में भाग लिया। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म नैनसन ने खुलासा किया है कि बाइनांस और उसके सीईओ सीजी से जुड़े लीगल डेवलपमेंट्स के बावजूद एक्सचेंज से बड़े पैमाने पर फंड का एक्सोडस नहीं हुआ है। डीओजे द्वारा बाइनांस के साथ $4.3 बिलियन के समझौते की घोषणा के 24 घंटों में एक्सचेंज ने इथेरियम में $956 मिलियन का आउटफ्लो देखा। हालांकि बाइनांस की टोटल होल्डिंग $64.6 बिलियन से बढ़कर $65.2 बिलियन हो गई, जो कि क्रिप्टो कीमतों में आउटफ्लोज और उतार चढ़ाव दोनों के लिए जिम्मेदार है। USDT होल्डिंग में $246 मिलियन की कमी आई, जबकि बिटकॉइन होल्डिंग्स में $76 मिलियन की गिरावट देखी गई। हालांकि ETH, BNB, AETH, SOL, LINK, SHIB और MATIC में होल्डिंग में बढ़ोतरी देखी गई। होल्डिंग्स में ये सूक्ष्म बदलाव बाइनांस यूजर्स की विविध प्रतिक्रिया को इंगित करता है, जो घबराहट से प्रेरित वापसी के बजाय एक स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट का सुझाव देता है। नैनसन बताते हैं कि बाइनांस ने पहले बड़ी वॉल्यूम में आउटफ्लो और नेगेटिव नेट फ्लो को नेविगेट किया, जैसे कि जून 2023 में SEC ने बाइनांस पर मुकदमा दायर किया, दिसंबर 2022 में इंसॉल्वेंसी की अफवाहें और FTX इंसिडेंट के तत्काल बाद। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म ग्लासनोट के अनुसार बिटकॉइन की रिकॉर्ड 70.35% सर्कुलेटिंग सप्लाई एक साल से अधिक समय से इनएक्टिव है, जो जुलाई में 69.35% के पिछले उच्च स्तर को पार कर गई है। ये डेटा मार्केट चैलेंजेस के बावजूद करेंसी के मूल्य में बिटकॉइन होल्डर्स के मजबूत विश्वास को दर्शाता है। एक साल की होल्डिंग सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर है, और जो होल्डिंग 2, 3 या 5 वर्षों में नहीं बढ़ी है, वे सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर है। इस साल इसकी कीमत दोगुनी से अधिक $37,000 होने के बावजूद लंबी अवधि के इन्वेस्टर्स अपने बिटकॉइन पर पकड़ बनाए हुए हैं। रिफ्लेक्सिविटी रिसर्च रिपोर्ट से पता चलता है कि हालांकि अधिक कीमतों से बिक्री हो सकती है, लेकिन बिटकॉइन के मालिक निकट भविष्य में ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। फिगर्स मार्केट रियलिटी का सटीक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, क्योंकि बिटकॉइन को ETF में एकत्रित और रखा जाता है, जिससे कि ये इनएक्टिव हो जाता है। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही Web3 से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.freewordstv.io पर, या फिर स्कैन करें QR कोड।